हाँ जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही अच्छे से तैयारी तो अच्छे से चलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है आपका PMT का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबको आपको पता चल ही चुका होगा, आधे पौने घंटे पहले नोटिस वायरल हो चुका है। फिर भी एक बार मैं वर्बली बता देता हूँ, आपका PMT 16 जुलाई से स्टार्ट है। कितने गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, 4 गुना 7 गुना, वो एक दो दिन में वेबसाइट पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसमें ये मेंशन नहीं है कि 4 गुना 7 गुना या 10 गुना कुछ भी। हाँ, शॉर्टलिस्ट सारे नहीं बुलाए जाएंगे, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड शॉर्टली, मतलब कि एक दो दिन में वेबसाइट पे आपके नोटिफिकेशन आएगा, आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आएगी, उससे पता लग जाएगा कि कितने गुना कैंडिडेट है। 16 जुलाई से स्टार्ट है, आपके 4-5-6 दिन चलेंगे, बस उसमें ये मेंशन है कि 16 जुलाई से स्टार्ट है, और उसके 4-5 दिन बाद छोड़ के आपके रनिंग स्टार्ट हो जाएगी PST। तो 16 जुलाई से PMT स्टार्ट है, जिसमें आपका चेस्ट हाइट मेजरमेंट होगा। मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा का पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया था, उसमें मेडिकल का और अपना PST PMT का भी क्राइटेरिया बताया था। तो आपका सबसे पहले PMT है, PMT में आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, जनरल कैटेगरी 83 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव चाहिए, और BC और SC के जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का सेम फुलाव के साथ। हाइट चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को 170 सेंटीमीटर, BC SC जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको चाहिए 168 सेंटीमीटर। फॉर फीमेल कैंडिडेट हाइट चाहिए जनरल की शायद आई थिंक 158 सेंटीमीटर है, और SC और BC की 156 सेंटीमीटर है। फीमेल का मेरे को एग्जैक्टली हाइट का ध्यान नहीं, आप देख लेना, और चेस्ट का वगैरह का तो कोई इशू नहीं है फीमेल का। तो अपना जाइए अच्छे से PMT दे के आइए, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे एक दो दिन में फिर आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, वो भी आपको पता लग जाएगा। और आपके पेपर में मुश्किल से 20-25 दिन बचे हैं, PMT हो जाएगा 16 से 20-22 तक, और उसके 2-3 दिन गैप के बाद आपका PST हो जाएगा, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे PMT के बाद जो लिस्ट आएगी। और आप पहले तो ये था कि मिड ऑफ अगस्त या फिर एंड ऑफ अगस्त में आपका पेपर होगा, अब आपके 1 से 10 अगस्त के बीच में रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। तो अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, अभी तो फिलहाल PMT आपका 3-4 दिन बाद, आप अपना PMT PST के लिए भी प्रिपेयर रहिए। और आपका लास्ट का 1 महीना है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया उसी को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए। अपनी 20-25 दिन रह गए हैं, 20-25 दिन की अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए कि फाइनल दिनों में आप कैसे अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकें। तो PMT आपका 16 जुलाई को, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से PMT दे के आना, और जय हिंद जय भारत।